हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू अवर चैनल पाठशाला। मैं हूं महेंद्र सिंह और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास MCQ 46। और जिन बच्चों के एग्जाम्स नियर बाय हैं, मैं उन लोगों को बता दूं, प्लीज़ आप लोग MCQ 1 से लेके MCQ 45 तक ज़रूर देख लें और उसको याद कर लें, क्योंकि एग्जाम्स में इन्हीं 45 में से क्वेश्चंस आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और रिसेंटली अभी जो CDS का एग्जाम हुआ था, तो काफ़ी बच्चों के कमेंट आए थे सर कि आपके पढ़ाए हुए कंटेंट से काफ़ी क्वेश्चंस फंसे, सो थैंक यू फॉर योर रिव्यूज़। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, आज का लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 से। विच सिटी इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर इंटरनेशनल कला मेला? तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है हमारा, इंटरनेशनल कला मेला, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कला मेला। तो ये कहाँ हुआ है पहली बार? ये हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इस मेले का इनॉग्रेशन किसने किया था, उद्घाटन वो किया था हमारे वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति, जिनका नाम है मिस्टर एम वेंकैया नायडू, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल कला मेले के ऊपर, ये यानी कि रिसेंट एक्टिविटी। अब जब उपराष्ट्रपति का नाम आया ही है, तो चलिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी चीजें कि कौन कौन से इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम्स में। तो हमारे आर्टिकल में आर्टिकल 63 डिस्क्राइब करता है पोजीशन ऑफ उपराष्ट्रपति, ठीक है। और रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट किस एक्ट के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 67, यानी अगर आर्टिकल 67 के अंतर्गत हम लोग राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, वाइस प्रेसिडेंट डाइड इन ऑफिस, यानी कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने ऑफिस में ही जिनकी मृत्यु हुई वो वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो वो थे श्री कृष्ण कांता, ठीक है। एकमात्र वाइस प्रेसिडेंट थे जो अपने ऑफिस में ही जिनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। बढ़ते अगली चीज देखते हैं, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान का वो भाग जिसमें वाइस प्रेसिडेंट आता है, यानी कि हमारे संविधान में 12 भाग हैं जो 22, ठीक है, उसमें से भाग 5 में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मेंशन अबाउट द एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं होती हैं, ठीक है, क्या होती हैं योग्यताएं, उनका वर्णन कौन से आर्टिकल में किया गया है, आर्टिकल 66(3) में। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उसका वर्णन किया गया है आर्टिकल 66(3) में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि जो उपराष्ट्रपति होता है वो अपना रेजिग्नेशन फॉर्म किसको देता है, वो देता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के राष्ट्रपति को वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, ओनली वाइस प्रेसिडेंट हु लॉस्ट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि जितने भी उपराष्ट्रपति हुए हैं आज तक उन्होंने अगर राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा है तो वो जीते हैं, यानी कि ऐसे 6 बार हुआ है, ऐसा 6 बार हो चुका है कि उपराष्ट्रपति ने जब राष्ट्रपति के लिए चुनाव लड़ा तो उनको जीत मिली, लेकिन सिर्फ 1 बार हुआ ऐसा हुआ वो हार गए, वो कौन थे, वो उपराष्ट्रपति थे भैरव सिंह शेखावत। तो आपसे दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है, हाउ मैनी टाइम्स यानी कि कितनी बार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति में कन्वर्ट हुए, वो थे 6 बार, और एकमात्र उपराष्ट्रपति थे जो राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे, वो कौन थे, भैरव सिंह शेखावत, ठीक। अब लास्ट क्वेश्चन जो कि पूछा जा सकता है, तो अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है यानी कि राष्ट्रपति का जो पद है वो खाली है, तो उपराष्ट्रपति कितने महीनों तक या कितने दिनों तक राष्ट्रपति की तरह काम कर सकता है, तो वो है मैक्सिमम 6 मंथ, और इसी महीनों के बीच में हमको राष्ट्रपति का चुनाव कराना होता, तो मैक्सिमम 6 मंथ तक वो राष्ट्रपति के तरह काम कर सकता है। तो इतने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बदल बदल के, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, द 2018 वर्ल्ड कैंसर डे यानी कि विश्व कैंसर दिवस कब होता है, तो वो होता है 4 फरवरी। ऐसे एक होता है वर्ल्ड एड्स डे यानी कि विश्व विश्व एड्स दिवस, वो कब होता है, वो होता है 1 दिसंबर को, ठीक है।
तो दोनों ही चीज आप याद रखिएगा, विश्व एड्स दिवस और विश्व कैंसर दिवस। कैंसर दिवस 4 फरवरी, एड्स दिवस 1 फरवरी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, ये क्वेश्चन मैंने यहां पे इसलिए शामिल किया है क्योंकि पिछली बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा था नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है, तो वो उस टाइम पे कौन थे, देवबाजी। ठीक है, तो अब इस बार संभावनाएं है कि पूछा जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल कौन है, तो वो है विद्या देवी भंडारी, यानी कि भंडारी जी, विद्या देवी भंडारी। आखिर मैंने इस क्वेश्चन को शामिल को किया यहाँ पे सॉरी क्योंकि अभी अभी हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिसेस सुषमा स्वराज, वो नेपाल गई थी। ठीक है, और नेपाल में क्यों गई थी, वहां पे एक मीटिंग हुई थी जिसका नाम था गुडविल विजिट ऑफ नेपाल। तो पहली बार ऐसा हुआ है गुडविल विजिट टू नेपाल, हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री सुषमा स्वराज जी वहां गई थी और वहां के राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी जी से मिली थी, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों ही चीज याद रखी है आपको। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वुमेन टू वॉन टाइम्स पावर वुमेन 2017 अवार्ड, 2017 का टाइम्स पावर वुमेन अवार्ड किसने जीता है, तो वो है शबनम अस्थाना जी। तो सॉरी, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ये क्वेश्चन है इसीलिए इंपॉर्टेंट है शबनम अस्थाना जी। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच टीम वॉन अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018, तो वो कौन सी टीम है, वो है इंडिया की टीम। यहां बात की गई है पुरुष टीम की। ठीक है, तो पुरुष टीम में इंडिया ने 2018 का वर्ल्ड कप जीता है और हराया किसको था, हराया था ऑस्ट्रेलिया को। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि अभी तक अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया ने कितने टाइटल्स जीते हैं, तो वो है 4 बार। कब कब, सन 2000, फिर 2008, फिर 2012, उसके बाद 2018 में। ठीक है, तो इंडिया ने 4 बार अंडर 19 वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बढ़ते आगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक, द यूनिक फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फ्लोटिंग मार्केट, यानी कि तैरने वाला बाजार, हैज कम अप इन विच सिटी ऑफ वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के किस सिटी में फ्लोटिंग मार्केट आएगा, वो है कोलकाता में। इससे पहले श्रीनगर में भी डल लेक के ऊपर ऐसा ही मार्केट बनाया गया था, अब कोलकाता में बनाया जाएगा। ठीक है तो दूसरा क्वेश्चन आपसे एक और पूछ सकता है कि डल लेक कहाँ है, डल झील कहाँ है, तो ऑप्शन दिए होंगे अलग अलग सिटीज के, तो आपको टिक करना है किसमें, श्रीनगर में। डल झील कहाँ है, श्रीनगर में। और ये क्वेश्चन तो पूछा ही जा सकता है कि फर्स्ट टाइम फ्लोटिंग मार्केट कहाँ बन रहा है, फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड, वो कोलकाता में। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है NEP के ऊपर। NEP का फुल फॉर्म बता दूं आपको, NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में चेंज करने के लिए एक कमेटी बनाई गई थी जिसका नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, कस्तूरी रंगन कमेटी क्यों, क्योंकि इसके जो हेड थे वो कस्तूरी रंगन थे, और कस्तूरी रंगन कौन है, ये फॉर्मर इसरो के चीफ साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो एक कमेटी बनाई गई थी नेशनल एजुकेशन को लेके, और ये जो कमेटी है ये अपनी रिपोर्ट 31 मार्च 2018 तक गवर्नमेंट को सौंप देगी, तो फिर उसके बाद उस पर काम किए जाएंगे। इससे पहले भी 2 बार NEP ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, एक बार 1986 में और उसके बाद 1992 में। ठीक है, यानी कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसको 1986 में बनाया गया था और उसके बाद 1992 में उसमें थोड़े से चेंजेस और सुधार किए गए थे, तब से अब इसके ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, बढ़ते आगे अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनियन बजट 2018, जी हाँ, अभी जो बजट को हमारे वित्त मंत्री जी ने बताया है उसमें एक स्कीम है जिसका नाम है कुसुम स्कीम।
उसके अंतर्गत 48,000 करोड़ रुपए का बजट किया गया है। क्यों? सोलर फार्मिंग के लिए, ठीक है, यानी कि किसानों के लिए। मैंने बताया था ना आपको अपने बजट की वीडियोस में, बजट 2018 किसानों के लिए काफी कुछ किया गया है, यानी कि बेसिक भारत की मजबूती के लिए काफी कुछ किया गया है, भारत के बुनियादी ढांचे को बदलने के लिए बहुत कुछ किया गया है और काफी सारी घोषणाएं भी की गई हैं, और जो कि 2022 तक किसानों की आय को दुगना करने का प्लान था उसके अंतर्गत ये भी आता है। 48,000 करोड़ रुपए की एक स्कीम बनाई गई है, उसका नाम है कुसुम स्कीम, जो किसानों को सोलर फार्मिंग के लिए प्रोत्साहित करेगी। तो अब कुसुम का पूरा नाम क्या है, फुल फॉर्म, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्तम महा अभियान, ठीक, किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महा अभियान, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।